राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। खरीद फरोख्त से बचाने के लिए कांग्रेस ने विधायकों की बाड़ेबंदी भी कर दी है। होटल जेडब्ल्यू मैरियट में ठहरे हुए हैं कांग्रेस के साथ निर्दलीय और बीटीपी के विधायक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी विधायकों के साथ में ठहरे हैं और होटल में ही उनके साथ में रुके हुए हैं। आपको बता दें कि 19 जून तक सभी विधायक होटल मैरियट में रहने वाले हैं और कांग्रेस आलाकमान का भी राजस्थान में राज्यसभा चुनाव पर विशेष फोकस फिलहाल बताया जा रहा है। आलाकमान की ओर से भेजे गए कई नेता राजस्थान। फिलहाल सभी नेताओं ने जयपुर में अपना डेरा जमा रखा है और विधायकों से एकजुट होकर कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट करने की अपील की जा रही है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता दिनेश कसाना फिलहाल जुड़ चुके हैं। दिनेश, जैसे जैसे चुनाव की जो तारीखें हैं वो नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में हलचल भी बढ़ती जा रही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से तमाम विधायकों को इतना बताया जा रहा है कि सब लोग काफी कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर के, लेकिन किस प्रकार से सेंधमारी जो हो सकती है उसे रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्या पूरी अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए जयंती, राज्यसभा चुनाव की 3 सीटों के लिए प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, उसके लेकर कांग्रेस ने 2 उम्मीदवार खड़े किए हैं। कांग्रेस पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, किसी तरह से डर नहीं है। 125 से अधिक उनके पास वोट है विधायकों के, तो ऐसे में किसी तरह कोई डर नहीं है। लेकिन सेंधमारी की जिस तरह अन्य प्रदेशों में जिस तरह के हालात है, गुजरात में 8 विधायकों के इस्तीफे दिलवाए, उसको लेकर कांग्रेस की ओर से एहतियात बरतते हुए विधायकों की बाड़ेबंदी की गई है। वहां पर तमाम विधायकों को एक साथ रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहां पर नाइट स्टे करते हैं, वहां पर रुकते हैं, विधायकों से बातचीत करते हैं। अभी भी विधायक दल की बैठक चल रही है और तमाम विधायकों के साथ चर्चा की जा रही है। एसपीसी से जो पर्यवेक्षक विधायक केसी वेणुगोपाल, जो उम्मीदवार है केसी वेणुगोपाल और पर्यवेक्षक है रणदीप सुरजेवाला, वो विधायकों से चर्चा की, 1-to-1 कल भी चर्चा की, कल रात को भी विधायक दल की बैठक हुई और अब विधायक दल की बैठक चल रही है। तो तमाम विधायकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है इस तरह से राज्यसभा चुनाव में का प्रयोग करना है, वोट किस तरह से करें उसको लेकर पार्टी की रणनीति है उसका भी चर्चा की जा रही है। बीजेपी की ओर से इस तरह से चुनी हुई सरकारों को गिराने के जो प्रयास है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार ये बीजेपी पर हमला करते रहे हैं। आरोप कांग्रेस की ओर से ये लगाया जा रहा है कि जिस तरह विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है, यहाँ पर भी राजस्थान में भी इस तरह के प्रयास किए गए जिसके लिए राजस्थान कांग्रेस की ओर से शिकायत भी की गई है। एसओजी में भी मुख्य सचेतक है महेश जोशी, उन्होंने शिकायत की है, एटीएस ने शिकायत की है। सरकारी जो एजेंसी है वो इसकी जांच कर रही है। हालांकि कांग्रेस ने इस तरह का कोई खुलासा नहीं किया है कि किसकी ओर से ये प्रलोभन दिया गया और किसको दिया गया, लेकिन इसकी जांच एसओजी की है। और फिलहाल जो कांग्रेस के विधायक हैं उनकी बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रभारी अविनाश पांडे इस बैठक में मौजूद हैं। विधायकों से चर्चा की जा रही है, शाम को भी बैठक होगी, लगातार विधायकों से चर्चा, विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम जो नेता हैं वो चर्चा कर रहे हैं। जी दिनेश, एक और चीज है, कांग्रेस आलाकमान का चूंकि राजस्थान के राज्यसभा चुनाव पर विशेष फोकस बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं राजस्थान एक बार फिर से फोकस में और लाइमलाइट में आ चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो रणनीति है और जो उनकी वाकपटुता है उसकी चर्चा तो पहले से ही राजनीतिक गलियारों में थी। तो किस प्रकार से अब पूरी सिचुएशन को मेंटेन किया जाएगा और आलाकमान के द्वारा क्या निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जयंती, मध्य प्रदेश में जब से सरकार गिरी उसके बाद काला कमान है वो पूरी तरह से चौबंद है, क्योंकि बीजेपी की लगातार नजरें राजस्थान सरकार पर हैं और राजस्थान में सरकार गिराने के प्रयास बीजेपी की ओर से किए गए। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले दिनों आरोप लगाया जिस तरह से विधायकों को प्रलोभन दिए गए, जिसके चलते आला कमान है उनके पूरी तरह से नजरें राजस्थान पर टिकी हुई है। 2 पर्यवेक्षक के रणदीप सुरजेवाला और दूसरे वो छत्तीसगढ़ के जो नेता है वो उनको यहाँ पर भेजा गया, पर्यवेक्षक बनाया गया। जो प्रभारी अविनाश पांडे उनको भी यहाँ पर भेज दिया गया है। संगठन महासचिव है जो राजस्थान से राज्यसभा के उम्मीदवार है केसी वेणुगोपाल, उनको भी जयपुर भेज दिया गया है। तमाम कांग्रेस के जो कई नेता है, कल हरियाणा के युवा नेता है दीपेंद्र हुड्डा, उनको जयपुर भेजा गया है, जो उनकी लॉबी के विधायक है। सीमावर्ती जो सचिव है उनके विधायक है, उनसे उन्होंने संपर्क किया है। आलाकमान पूरी तरह से नजरें बनाए हुए हैं, तमाम प्रदेश के जो नेता हैं उनके संपर्क लगातार है, किस तरह से बीजेपी की जो रणनीति है उनको नाकामयाब किया जा सके, जिसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तमाम विधायक एकजुट हैं, कांग्रेस की लगातार विधायकों से भी
सभी नेता हैं वो वन टू वन चार कर रहे हैं। जी प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और जो चार जॉइंट सेक्रेटरी हैं उन वो भी लगातार विधायकों के संपर्क में है। किसी तरह से कोई रणनीति पर बीजेपी की ओर से जब से दो उम्मीदवार राज्यसभा के लिए उतारे हैं तो कांग्रेस। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद।